जरा गौर से देखिए, आप इसे देखने में तो ये लग रहा होगा कि ये कोई गौशाला है जहाँ गाय भैंस बंधती है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये गौशाला नहीं, ये तो अस्पताल है। वो भी किसी आम आदमी का नहीं, बल्कि हमारे जन प्रतिनिधियों के इलाज का अस्पताल है। जी हाँ, ये विधायकों के लिए अस्पताल बनाया गया है, लेकिन जरा आप भी तो देखें इस बदहाल अस्पताल की तस्वीर। इस वक्त हम इनकम टैक्स गोलंबर के पास स्थित विधायक अस्पताल में हैं, लेकिन पीछे की तस्वीरें आप पहले देखिए। आपको ये देख के बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये अस्पताल है, लगेगा कोई कबाड़खाना है। ठीक इसके ऊपर हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे जिला खनन कार्यालय भी है, पटना का खान एवं भूतत्व विभाग का कार्यालय है इसके ऊपर। लेकिन यहाँ की स्थिति बद से बदतर है। अंदर जो डॉक्टर हैं शशिभूषण जी, उनसे भी हमने बातचीत की और उनका साफ कहना था कि जो विधायक अस्पताल है वो पहले किसी और बिल्डिंग में था और उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट किया गया, लेकिन जगह का अभाव है जिस कारण लोग यहाँ पे आ तो रहे हैं लेकिन उनको एडमिट नहीं किया जा रहा है। उन लोगों की जाँच की जा रही है, अगर उनकी तबीयत बिगड़ती है, कोई भी बीमारी होता है विधायकों को या उनके परिजनों को, तो वो यहाँ आकर इलाज करा सकते हैं, लेकिन जगह के अभाव में ये अस्पताल का गेट है मेन, यहीं से लोग जाएंगे और यहाँ की स्थिति देख सकते हैं। कबाड़खाना बिल्कुल गलत नहीं होगा कबाड़खाना कहना। और इधर की एक और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, एम्बुलेंस आप देख सकते हैं, एम्बुलेंस की क्या दशा है, क्या दुर्दशा है ये देखिए, ना शीशा है ना कुछ है, एम्बुलेंस पूरी तरीके से ख़राब है। अगर किसी को यहाँ से ले जाना होता है तो वो कैसे जाएगा, देख सकते हैं किस तरीके से ये गंदगी का अंबार इस एम्बुलेंस में है। ये एम्बुलेंस की हालत आप देख सकते हैं कितनी ख़राब, जो हालत है वो इस एम्बुलेंस की। और ये विधायक अस्पताल है, इनकम टैक्स गोलंबर के पास मौजूद है, पहले ये कहीं और था लेकिन अब इसको यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। और ये देखिए इधर गाय बंधी हुई है, ये सरकारी जगह है और यहाँ पर ये गाय सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है लगातार। जिस तरीके से अस्पतालों में व्यवस्थाओं का अभाव है, कमियां हैं लगातार, वो कमियां उजागर हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को इन कमियों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो आपने देखा, यहां इलाज तो होता है लेकिन भर्ती नहीं किया जाता। वहीं यहां मौजूद डॉक्टरों की माने तो ये अस्पताल कहीं और था और उस बिल्डिंग को तोड़ दिया गया, जिसके बाद अस्पताल को यहाँ शिफ्ट किया गया। अब तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि हमारे विधायकों का गाय भैंस के बीच इलाज कैसे होता होगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कैसा सिस्टम है यहाँ का और क्या कर रही है यहाँ की सरकार। पटना से निषेध ठाकुर की रिपोर्ट।